School. Today's my topic is on artificial intelligence, a trendy topic nowadays. What we are going to learn? What is artificial intelligence? Goals of AI? Positive and negative impact of AI? Let's see what is artificial intelligence. Artificial intelligence robots की एक ऐसी ability होती है जो humans की तरह work करती है. जैसे कि इसका जो daily life में ये examples है Alexa, Siri, Google Assistant, ये सब जो है humans की तरह बात करती है और आपको reply भी देती है. Next, goals of AI. टॉपिक्स मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं,
और उससे रिलेटेड कोई भी आपको कॉन्टेंट मिलता है तो आप जस्ट कॉपी करके आते हैं, अपना कोई भी क्रिएटिविटी उसमें नहीं डालते। नेक्स्ट, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि AI भी एक एप्लीकेशन है जो है रोबोट्स, जो ऑक्यूपेशन को डिस्प्लेस करती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती जा रही है। जैसे कि जापान में कैफे में भी रोबोट्स आ चुके हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग नॉर्मल ह्यूमन बींग काम कर सकते हैं वहाँ पे अब रोबोट्स काम करते हैं। उसके बाद में ह्यूमन बींग लेजी, ह्यूमन जो होते हैं वो अपने बेसिक नीड से जुड़े होते हैं, अगर वो करना छोड़ दें तो वो लेजी बनते जाते हैं और रोबोट कोई भी मशीन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती उस बेसिक नीड को। अब हम एक शॉकिंग इंसिडेंट देखेंगे AI के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम एक स्नैपचैट का न्यू फीचर माई AI के बारे में जानेंगे। रिसेंटली स्नैपचैट ने माई AI फीचर लॉन्च किया है। इसका मेन काम यह है कि आपको इससे कनेक्टिविटी कोई लोग आपको लगे कि ये आपका फ्रेंड ही है, आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है कि आपको कौन सा फूड बनाना चाहिए, आज आप कौन से कलर कपड़े करना चाहते हो। तो इसमें शॉकिंग फीचर ये है कि ये जो विमेन है इसने अपने फ्रेंड को स्नैप भेजी और वो गलती से माई AI को भी सेंड हो गई, और उसमें ये शॉकिंग था कि माई AI ने उसको कॉमेंट किया योर बेबी लुकिंग सो क्यूट। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इसमें कोई भी कहीं पे भी बेबी नहीं दिख रहा। बेबी इसने ऐसे स्कैन किया कि ये जो ह्यूमंस की आई होती है इसमें लैंड हो गया, इसमें बेबी का रिफ्लेक्शन आ रहा था। इससे यह पता चलता है कि हमारा AI जो है हमारे हर एक चीज को एब्जॉर्ब करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट फन फैक्ट, सबसे अच्छा फन फैक्ट है कि AI जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, AI आर्ट क्रिएट कर सकता है, AI जो है आपको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेगा और AI जो है बहुत ज्यादा ही ह्यूमंस की तरह ही होता है। जैसे कि वो बात कर सकता है आपके साथ, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। अब इन सब चीज का कंफ्यूजन क्या निकलता है, आजकल जो है AI की टेक्नोलॉजी और भी कंफर्टेबल होती जा रही है और जो ह्यूमन बींग्स है और भी इससे तरह कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है आप कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज भी एक लिमिट में करना चाहिए क्योंकि लिमिट से ज्यादा करोगे तो आपको हार्मफुल भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर मिसेस ज्योति बत्रा जिन्होंने मुझे ये टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।